तो अभी आपका 8th पेपर है लीगल हिस्ट्री का। इसके जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो अभी आपको मॉर्निंग तक सेंड कर दिए जाएंगे ग्रुप के अंदर, अदरवाइज इवनिंग में ही जहाँ तक पॉसिबल हो सका, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा इवनिंग में ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे, अदरवाइज कल मॉर्निंग में तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग। तो अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, जो आपका 1726 का जो चार्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्टर है, और एग्ज़ाम में इससे एक रिलेटेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। है कुछ भी नहीं, सारा घुमा फिरा के दिया हुआ है, सारी चीज़ें वही हैं। गवर्नर इन काउंसिल को याद करना है, एजेंट इन काउंसिल को याद करना है, ठीक है, इन चीज़ों को याद करते हुए और आपको लिखना है। और अभी हो सकी तो आपको ग्रुप के अंदर दो तीन क्वेश्चन का तो मैं पीडीएफ भी आपके साथ में शेयर करूंगी कि आप किस तरह से एक पॉइंटली डायरेक्टली आप क्या है इसको याद कर सकते हो, क्योंकि अभी ना 50% भी नहीं बना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपके साथ में स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, तो ये देखिए, मैंने अभी मैं आप लोगों के लिए बना ही रही थी, आपको किस तरह से मतलब प्रॉपर तरीके से याद करना है, तो ये मैं अभी आपके लिए बना ही रही थी, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं आपको ग्रुप में क्या है डाल दूंगी, तो जिससे क्या आपको इजी रहेगा पढ़ने में भी। चलिए, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 1726 से पहले जो मद्रास था, ठीक है, तो मद्रास का क्या जुडिशियल सिस्टम था, उसके जो मेन फीचर्स थे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले तो जो 1600 के अंदर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसको याद रखना है, ठीक है, कि भारत के अंदर सबसे पहले जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोगों का शासन होता था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इंटेंशन से आई थी, उसको क्या है कि सिर्फ बिजनेस ही करना था, लेकिन बिजनेस की बजाय वो क्या है जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर भी अपना मतलब इंटरफेयर करने लग गई थी। तो सबसे पहले उन्होंने 1612 में सूरत के जो मुगल सम्राट थे जहांगीर, उनकी कंसेंट के साथ में एक फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद 1639 के अंदर फ्रांसिस डे था, एक अंग्रेज था जो कि चंद्रगिरी के राजा, से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ उन्होंने क्या है भूमि को अडॉप्ट किया, ठीक है। उसके बाद में जो जिस भूमि को उन्होंने अडॉप्ट किया था उसको मद्रास पट्टनम के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और उस भूमि के ऊपर इन्होंने क्या किया कि दो प्रकार की इन्होंने टाउन बसा दिए, एक तो थे ब्लैक टाउन, एक थे आपके व्हाइट टाउन, ठीक है। ब्लैक टाउन मतलब कि नॉर्मली याद रख लो इसको, ब्लैक टाउन मतलब जो गरीब लोग थे और व्हाइट टाउन जो उच्च परिवार वाले थे, ठीक है। तो फिर आगे जाके ये जो बस्तियां बनाई थी व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन वाली, इनको इन्होंने जो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन वाली जो बस्तियां बनाई गई थी इनको इन्होंने क्या है मद्रास का नाम दिया, ठीक है। और इसका पूरा जो श्रेय है वो किसको जाता है, पूरा श्रेय जाता है फ्रांसिस डे को, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहले आपको ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखनी है मद्रास से रिलेटेड, मद्रास के जब पहले का आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो 1726 का जो चार्टर था इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पांच बातें याद रखनी है। पांच बातें कौन सी याद रखनी है, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में याद रखोगे, ठीक है। सेकंड चीज क्या रखोगे कि जो लैंड थी उसको लिया गया था, ठीक है। तीसरी चीज क्या रखोगे, फ्रांसिस डे का नाम याद रखोगे। चौथी चीज क्या रखोगे कि दो टाउन बनाए गए, ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन। और पांचवी चीज क्या याद रखनी है कि जो वो टाउन्स बनाए गए थे उनको आगे जाके क्या है मद्रास का नाम दिया। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। अब इसके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो जब भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले तो इनका क्या है आपको तीन चरण याद रखने हैं। तीन चरणों की अगर बात करूं तो सबसे पहला जो था वो आपका 1639 से लेके 1665 तक,
सेकंड जो है वो 1666 से लेके 1685 तक, और जो थर्ड है वो आपका 1686 से लेके 1726 तक क्या है बताया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो फर्स्ट था, तो फर्स्ट के अंदर क्या था कि मद्रास के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने दो तो कोर्ट बना दिए, ठीक है, दो कोर्ट बनाए, एक तो आपका चोल्ट्री कोर्ट और दूसरा आपका एजेंट एंड काउंसिल कोर्ट था। तो ये जो एजेंट एंड काउंसिल कोर्ट था ना, ये तो आपका सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस सुनता था, ठीक है, लेकिन जो चोल्ट्री कोर्ट था वो सिर्फ जो ब्लैक टाउन के जो पीपल्स थे, ब्लैक टाउन में जो रहने वाले रेजिडेंट्स, जो जिनका ब्लैक टाउन के अंदर रेजिडेंस था, जो वहां के निवासी थे, सिर्फ उन्हीं का सुनना होता था। और चोल्ट्री कोर्ट का जो जज होता था वो एक इंडियन पर्सन होता था जिसको आडिगर के नाम से बोला जाता था, ठीक है। और जो आडिगर कौन होता था, मेनली जो गांव का मुखिया है, जो मेन गांव का जो मुखिया होता था वो कौन होता था, आडिगर होता था, ठीक है। आडिगर के नाम से उसको जाना जाता था। उसका काम क्या होता था, उसके चार ही काम होते थे। सबसे पहले तो अपने एरिया के अंदर भाई शांति बनाए रखेगा, दूसरी बात क्या है कि जो सिविल केसेस हैं जनरल नेचर वाले, ठीक है, जनरल नेचर वाले जो सिविल केसेस हैं उनकी सुनवाई करेगा, और तीसरी चीज क्या है कि जो रिकवरी होती है ना, जैसे लगान वसूल करना बोलते हैं, लगान वगैरह रिकवर किया जाता है, चुंगी जो वसूल की जाती है, तो ये काम करना होता था। और चौथा काम क्या होता था, जो लैंड का अगर मान लो सेल हो रही है या उसको परचेज किया जा रहा है, तो इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या है, जो भी उनके रिकॉर्ड से रिलेटेड जो केसेस होते थे तो उनका निपटारा भी क्या है, चोल्ट्री कोर्ट करता था, ठीक है। जो जो मतलब कि गंभीर प्रकृति के जो केसेस होते थे, उनको क्रिमिनल केसेस थे, उनकी सुनवाई, उसकी जुडिक्शन नहीं थी, क्योंकि क्रिमिनल केसेस की जुडिक्शन तो वैसे भी नहीं थी, सिविल केसेस की सुनता था, ठीक है। और अगर मान लो ऐसे मामलों में अगर उसको निपटारा करना भी है, तो वहां का जो मतलब शासक हुआ करता था उससे पहले सलाह लेता था, जिसके लिए कोई भी सर्टेन लॉ भी नहीं था, कोई निश्चित लॉ नहीं था गंभीर प्रकृति के मामलों के लिए, ठीक है। और जैसे ही जो भी उसके अपराध की जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, उस आधार पे क्या है वो डिसीजन लेते थे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। फिर 1661 के अंदर चार्ल्स द्वितीय ने एक चार्टर जारी किया, ठीक है, जिसके अंदर उसने जो भी सारी पावर्स थी वो गवर्नर इन काउंसिल में इंक्लूड कर दी, ठीक है, गवर्नर इन काउंसिल के अंदर इंक्लूड कर दी। और वहां पे इन्होंने क्या किया कि जो आंगल बस्तियां थी उनके अंदर इंग्लिश लॉ का यूज करते थे, ठीक है, और फर्स्ट चरण के अंदर जो भी जुडिशियल सिस्टम था वो सुनिश्चित नहीं था, डिसाइडेड नहीं था, और इनके अंदर जो केसेस थे तो आंगल बस्तियां भारत के अंदर इंग्लिश जो मतलब अंग्रेजों वाली जो बस्तियां थी ना, आंगल बस्तियां जिनको बोला जाता था, हाँ, जहाँ पे इंग्लिश लॉ अप्लाई होता था, तो वो जो आंगल बस्तियां थी, ठीक है। तो इसके अंदर तीन चार केसेस आ जाते हैं, आपका ब्रिटिश सैनिक का हत्या का मामला आ गया, या फिर इंडियन एक्यूज्ड की हत्या का मामला आ गया, ठीक है। इनके अंदर भी क्या था कि जो मर्डर वाले जो केसेस होते थे, इनके अंदर विदाउट किसी इन्वेस्टिगेशन के क्या है, एक्यूज्ड को ये पनिशेबल कर देते, क्योंकि ना तो कोई सर्टेन लॉ था और ना ही कोई प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि एजेंट एंड काउंसिल और आपके चोल्ट्री कोर्ट, दो टाइप के आपके कोर्ट होते थे। तीसरी चीज क्या थी कि इसके अंदर जो आपके एजेंट एंड काउंसिल कोर्ट थे वो वाइट टाउन के जो भी रेजिडेंशियल थे उनकी सिविल और क्रिमिनल केसेस सुनते थे, चोल्ट्री कोर्ट थे वो सिर्फ ब्लैक टाउन वालों के लिए थे, ठीक है। इसके अंदर एक इंडियन पर्सन होता था जो कि कौन होता था, जज होता था, और वो जज किसको बनाया जाता था, जो उस गांव का मुखिया होता था, और उसको आडिगर बोला जाता था, ठीक है। काम क्या होते थे, तो शांति बनाए रखना, ठीक है, सिविल जो जनरल नेचर वाले जो सिविल केसेस होते थे उनकी सुनवाई करना, ठीक है, रिकवरी वसूल करना, रिकवरी करना, और तीसरा क्या है, जो भी लैंड से रिलेटेड सेल परचेजर से जो भी रिकॉर्ड होते थे उन रिकॉर्ड से रिलेटेड जो केसेस होते थे उनकी सुनवाई करना, क्रिमिनल केसेस जो मतलब कि ज्यादा कॉग्निजेबल वाले जो केसेस होते थे, गंभीर प्रकृति के जो केसेस होते थे उनको क्या है, सुनने की जुडिक्शन नहीं थी। अगर मान लो सुनेगा भी तो जो वहां का पहले शासक है उससे मतलब कि एडवाइस लेगा, कोई भी सर्टेन लॉ नहीं था, ठीक है। फिर चार्ल्स द्वितीय ने एक चार्टर जारी किया, उसमें उसने क्या किया कि जितने भी पावर्स थी वो गवर्नर इन काउंसिल में इंक्लूड कर दी, और उसके बाद में क्या हुआ कि जो भी जुडिशियल सिस्टम था वो प्रॉपर नहीं था, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिनके अंदर उनको लगा कि भाई ऐसा सही नहीं है, और हत्या के जो मामले थे उसमें भी विदाउट किसी इन्वेस्टिगेशन के क्या है, एक्यूज्ड को पनिशेबल कर दिया जाता था,
और इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट चरण था ये बिल्कुल भी सही नहीं था। ठीक है, फर्स्ट चरण क्लियर हुआ सभी को। सेकंड की बात करते हैं तो हाँ जी, तो सेकंड चरण की जब भी हम बात करते हैं तो सेकंड चरण आपका शुरू होता है 1666 से लेके 1685 तक। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक तो गवर्नर इन काउंसिल जो कोर्ट थे इनको एस्टैब्लिश किया, ठीक है, और दूसरा चोल्ट्री जो कोर्ट थे इनको दोबारा से बनाया गया। ठीक है, तो गवर्नर इन काउंसिल को सिर्फ नाम बदल के इन्होंने एजेंट इन काउंसिल कोर्ट जो था ना उसका सिर्फ नाम बदल दिया था। ठीक है, और इसके अंदर कोर्ट को कंपनी के जो भी इम्प्लॉय होते थे या फिर प्रेसिडेंसी जो एरिया के अंदर रहने वाले, चाहे वो मतलब कि ब्रिटिश शासन वाले अंग्रेज हों या फिर भारतीय हों, उनके मामलों की सुनवाई की जुडिक्शन थी, चाहे फिर वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। देखो दोनों चीजें कॉमन है, चोल्ट्री को ये एजेंट इन काउंसिल कोर्ट और आपका गवर्नर इन काउंसिल, दोनों में क्या चीज कॉमन है कि क्रिमिनल और सिविल केसेस सुने जा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या है कि जो गवर्नर इन काउंसिल का जो श्रेय है, ये जो कोर्ट बनाया गया था ना गवर्नर इन काउंसिल, इसका श्रेय जाता है असेंशिया डॉस के मामले को जाता है। ठीक है, जिसके अंदर एक यूरोपियन महिला थी जिसपे उसको अपनी एक दासी की हत्या का आरोप लगाया गया था। उसके बाद में ये गंभीर जो मामला था वो गंभीर था, जिसमें एजेंट एंड काउंसिल के जो कोर्ट्स थे उनके द्वारा कंपनी के जो अधिकारी थे उनसे सलाह ली गई और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो 1661 का जो चार्टर है उसमें जो प्रोविजन किया गया है उसके अकॉर्डिंग इसको निपटाया जाए, और जो आपके इस चार्टर के अंदर जो जुडिशियल पावर थी वो गवर्नर इन जो काउंसिल था वो प्रदान करता था, और ये जो कोर्ट थे वो गवर्नर इन काउंसिल में क्या है चेंज हो गए। कुछ नहीं निकल के आया, सिर्फ दो ही बातें निकल के आई, क्या, एक तो भाई जो गवर्नर इन काउंसिल कोर्ट था वो एजेंट इन काउंसिल कोर्ट को नाम बदल के तब गवर्नर इन काउंसिल पड़ा। दूसरी चीज क्या निकल के आई कि जो अंग्रेज और भारतीय थे दोनों की जुरिडिक्शन थी, चाहे वो सिविल केसेस में हो चाहे वो क्रिमिनल केसेस में हो। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या है कि ये जो कोर्ट था ना ये कितनी बार लगता था, वीक में दो बार लगता था। ठीक है, 12 जूरीज की सहायता से क्या है सिविल और क्रिमिनल केसेस को निपटाया जाता था, और उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाके इस प्रोविजन में थोड़ा सा सुधार हुआ। ठीक है, 1678 के अंदर हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और 10 जुलाई 1686 तक ये जो कोर्ट है ये काम करता रहा। ये सिर्फ गवर्नर इन काउंसिल है, आपको अगर इतनी चीजें भी याद रह जाती है ना कि भाई गवर्नर इन काउंसिल था, एक मामले के अंदर कंपनी के अधिकारियों से क्या है गंभीर प्रकृति का मामला था जिसके अंदर कंपनी के अधिकारियों से सलाह ली गई थी, और इसको जाके दो बार वीक में ये लगता था, 12 जूरीज की सहायता से क्रिमिनल और सिविल केसेस को सुना जाता था, और आगे जाके इसको हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का दर्जा दे दिया गया। सिर्फ इतना भी लिखाओगे ना तो गवर्नर इन काउंसिल के कोर्ट जो है केस वो इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चोल्ट्री कोर्ट का पुनर्गठन। तो देखो सबसे पहले चोल्ट्री कोर्ट हमने प्रीवियस में पढ़ा, तो आईडीगर होता था, गांव का मुखिया होता था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है नेक्स्ट, देखो जब इसको दोबारा से बनाया गया तो इसके अंदर क्या है, भारतीय जो जजेस थे उनके स्थान पे जो कंपनी के अंग्रेज थे उनको जज अपॉइंट कर दिया, उल्टा कर दिया। कर्मचारी के जो भी जुडिशियल एक्ट थे उनके साथ में जो वेतन अधिकारी थे या फिर मुद्रा अधिकारी थे, कस्टम मिंट पे मास्टर जो भी थे वो उनके साथ में काम करते थे। ये कोर्ट भी दो बार लगता था, मंगलवार और शुक्रवार को। डेट याद नहीं रहे तो कोई बड़ी बात याद नहीं है। ठीक है, जो 50 पगोड़े तक की जो राशि होती थी वहां तक के मामले सुनते थे, छोटे मोटे जो भी क्रिमिनल केसेस होते थे तो जो जूरीज थे उनकी हेल्प से क्या है क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर ली जाती थी। ठीक है, फिर क्रिमिनल केसेस के अंदर जो बंदी बनाए जाते थे तो उन पर्संस के लिए मार्शल अपॉइंट किया जाने लगा। मार्शल का काम क्या होता था कि भाई वो मार्शल जो अपॉइंट किया जाता था जो जेल के अंदर होता था वो दंड के नाम पे क्या करता था, जो माल उनका कोई भी माल होता या कुछ भी होता तो वो माल की ना उनको फोरबिट कर लेना होता था, जब्ती कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद में चोल्ट्री कोर्ट की दृष्टि से अगर मान लो जुडिशियल सिस्टम से देखें तो जो गवर्नर इन काउंसिल था वो लास्ट कोर्ट था। ठीक है, और जो चोल्ट्री कोर्ट के जो भी केसेस होते थे उनकी अपील कहाँ होती थी, गवर्नर इन काउंसिल में होती थी। तो जो सेकेंड स्टेज आया इसका ये थोड़ा सा मतलब कि इम्प्रूवमेंट लेके आया। ठीक है, क्लियर हुआ।
ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेज की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेज शुरू आपका 1786 से लेके 1726 तक। तो इसमें भी दो कोर्ट बनाए गए स्पेशल, है कुछ नहीं, वो जो चोल्ट्री और एजेंट काउंसिल कोर्ट चले आ रहे हैं ना, उन्हीं को इम्प्रूव करते हुए आ रहे हैं ये लोग, ठीक है। इसमें भी दो कोर्ट बनाए गए, एक तो एडमायरिटी कोर्ट बना, एक मेयर कोर्ट बना। एडमायरिटी कोर्ट में क्या था, ये तीसरे चरण की सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं उपलब्धि थी, ठीक है। एडमायरिटी कोर्ट की स्थापना इसमें की गई। इसके अंदर तीन जजेस होते थे, दो व्यापारी होते थे और एक कानून का ज्ञाता होता था। और ये सबसे बड़ी चीज यही थी, क्योंकि ये जो चरण आया था इसी के अंदर, जो कोई जुडिशियल फील्ड के अंदर है, मान लो जिसको लॉ का ज्ञान है, उस पर्सन को क्या है, यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। इन जजेस को जज एडवोकेट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कोर्ट के लिए एक एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया और एक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया, ठीक है। ये सबसे सुपीरियर कोर्ट था मद्रास का। और इसके अंदर सबसे पहली बात यही, देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो क्या है, किसी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट को क्या है, यहाँ पे अपॉइंट किया गया। दूसरी चीज क्या है कि कंपनी का जो, कंपनी की जो भी व्यवस्था थी उसको जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या है, इन्होंने अलग कर दिया। और फर्स्ट टाइम जो आपकी फ्रीडम ऑफ जुडिशरी है, स्वतंत्रता की, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, उसका श्री गणेश जो है वो आपके जो थर्ड स्टेज आती है, कौन सी, पूर्व मद्रास की जो थर्ड स्टेज आती है 1686 से लेके 1726 का जो है, तो इसी के अंदर पहली बार क्या था कि जो कंपनी से हटके जो जुडिशियल सिस्टम था वो पहली बार सामने आया, ठीक है। इसमें हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की जो जुडिक्शन थी वो भी एडमायरिटी कोर्ट को दे दी इन्होंने। मेयर कोर्ट की अपील सुनता था, ठीक है। क्रिमिनल केसेस की सुनवाई जो थी वो जूरीज की हेल्प से होती थी। सर बिग्स की डेथ हो जाने के बाद में कोई भी यहाँ पे लॉ का मतलब विशेषज्ञ नहीं रह गया था, ठीक है। एक बार जो एडमायरिटी कोर्ट था वो खत्म हो गया था, उसके बाद में जो मेयर कोर्ट्स के फैसलों की जो अगेंस्ट जो अपील थी उसकी जुडिक्शन भी खत्म हो गई थी। दोबारा से इसको बनाया गया, तीन जज बनाए गए, एक विधि विशेषज्ञ, दो जो गवर्नर एंड काउंसिल के मेंबर थे। जज एडवोकेट के रूप में सर जॉन डॉल्बिन को अपॉइंट किया गया, लेकिन ये भी क्या है, रिश्वत के ऊपर इसके चार्जेस लगाए गए, उसको हटा दिया, ठीक है। उसके बाद में ये जो इम्पोर्टेंट इसने जजमेंट दिए, गवर्नर इन काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो एक एक करके जज एडवोकेट का काम संभाला उन्होंने। 1704 के अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो जज एडवोकेट का जो पोस्ट है वो खाली रहनी चाहिए, कि जब भी जरूरत पड़े तो हम उसको भर सकें। और गवर्नर इन काउंसिल का जो ये एडमायरिटी कोर्ट की जो जुडिक्शन थी उसका यूज गवर्नर इन काउंसिल कोर्ट द्वारा किया जाए, और जो आपके एडमायरिटी कोर्ट और मेयर्स कोर्ट के जो भी फैसले होते थे उनके अगेंस्ट जो अपील है वो कहाँ की जाएगी, उनके अगेंस्ट जो अपील है वो गवर्नर इन काउंसिल कोर्ट में की जाएगी। मेयर कोर्ट्स की, तो मेयर कोर्ट्स का भी सेम यही है, 2 वर्ष के बाद में एडमायरिटी कोर्ट की खत्म होने के 2 वर्ष के बाद में एक 1687 में एक चार्टर जारी किया गया। इसके अंदर मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। इस कोर्ट का जो गठन था वो मेयर और एल्डरमैन से मिलके बनता था। एक मेयर होता था, 12 एल्डरमैन होते थे, ठीक है, जिसके अंदर मेयर तथा जो 3 एल्डरमैन वो कंपनी के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होते थे वो होते थे, और 9 एल्डरमैन किसी भी नेशनलिटी से हो सकते थे। और इनकी पूर्ति करने के लिए एक मेयर और 2 एल्डरमैन की जो अगर प्रेजेंस थी तो वो सफिशियंट थी, कि अगर मान लो एक मेयर और 2 एल्डरमैन होते तो सफिशियंट है। तो इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, जुरिडिक्शन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की थी, सिविल और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर सकता था, डेथ इम्प्रिजमेंट दे सकता था, कैपिटल पनिशमेंट दे सकता था, लेकिन सिर्फ भारतीयों को, अंग्रेजों को नहीं, ठीक है। और मेयर कोर्ट के फैसलों के जो अगेंस्ट जो अपील होती थी वो आपके क्रिमिनल कोर्ट में की जा सकती थी। मेयर कोर्ट्स की सहायता के लिए रिकॉर्डर की अपॉइंटमेंट की गई, और जो रिकॉर्डर होता था वो कंपनी का कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी होता था। और दूसरी चीज क्या है कि सर जॉन बिग्स थे वो मेयर कोर्ट के फर्स्ट रिकॉर्डर अपॉइंट किए गए थे। तो इसी तरह से जो मेयर कोर्ट की जो स्थापना थी वो इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियंस के आधार पे जो है
की जाती थी। और ये जो इक्विटी जस्टिस और गुड कंसेंस का था ना, इसके अंदर ये सिविल केसेस में ही था, क्रिमिनल केसेस में तो जूरीज की हेल्प ली जाती थी। और ऐसा माना जाता था कि इस कोर्ट के जो जजमेंट थे वो उच्च कोटि के नहीं होते थे, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जो जजमेंट लिए जाने हैं उन जजमेंट के बारे में अगर अपील का जो प्रोविजन था तो वो गवर्नर इन काउंसिल में क्या है, उस गवर्नर इन काउंसिल कोर्ट जो थी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, क्लियर की नहीं?